आलसीपना आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी लोग मेरी सलाह लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, काउंसिलिंग लेते हैं, पूछते रहते कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, क्या करूँ, मेरा लक खराब है, क्या करूँ, कोई मुझे सपोर्ट नहीं देता, क्या करूँ, मैंने बहुत जगह अप्लाई किया है, नौकरी नहीं मिल रही है, क्या करूँ, मेरे धंधे पानी ठीक नहीं चल रहे हैं, देखो कोरोना की महामारी है, इसमें तो धंधे सबके डूब रहे हैं, कारण देते जाएंगे लोग। उनको पूछा कि आपने दिन कैसा बिताया आज, तो बोले नहीं, सवेरे उठा, खाया पिया, नाश्ता किया, फिर बाद में थोड़ा सा टीवी देख लिया, बाद में दोपहर का खाना खाया, फिर सो गए, फिर शाम को उठे, फिर थोड़ा टहल लिया, फिर टीवी देखा, और बाद में रात को सो गए, क्योंकि अभी धंधे पानी कुछ भी नहीं है। ये लोग बोलते सोए तो क्या हो गया, ये लोग बोलते काम नहीं किया तो क्या हो गया, ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं जो कर रहा हूँ बराबर कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आया तो क्या हो गया, मतलब इनको कुछ लगता ही नहीं है। ये जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ काम करेंगे, ऐसा नहीं काम नहीं करेंगे, ऐसा दिखता है कि ये लोग काम कर रहे हैं मगर रिजल्ट्स के लिए कभी काम करेंगे नहीं, इनको कभी रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं, ये रिजल्ट्स के लिए काम करते नहीं है, एक्शंस के लिए काम करते हैं। आपको एक्शंस के लिए कोई पेमेंट देता नहीं है, आपको रिजल्ट के लिए लोग पेमेंट देंगे, तो आपके रिजल्ट एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए। आप कितने समय तक पिच पे टिके रहे क्रिकेट में, पूरा दिन टुकुर 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 प्लेट प्लेट खेलते रहे, उसके लिए पैसे मिलते नहीं है। आपने कितने रन निकाले एक दिन खेलने के बाद में या एक घंटा खेलने के बाद में, उसके लिए उनको टीम में लिया जाता है। तो आपने एक्शन कितने किए उसको कोई महत्व नहीं है, एक्शन से रिजल्ट्स कितने मिले हैं, क्या हासिल किया है, आउटकम क्या है, वो महत्व का है। तो आपने क्या करना है, प्लानिंग करो, कल क्या करने वाले, ये हफ्ते में क्या करने वाले हैं, और वो प्लानिंग करके तुरंत एक्शन लेना चालू करो। आलस से जो है, आलस, वो आलस आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। हमारा ऐसा रहता है कि ठीक है कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, ऐसा बोलते जाएंगे। ऐसा संत कबीर ने बोला है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षणमय प्रलय होगा फिर करेगा कब। मगर ये लोग ऐसे जीते हैं कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसो, जिंदगी बहुत बड़ी है यारो, जीना यहाँ बरसो। तो ऐसा मत जियो, पता नहीं कल क्या होगा, जो करना है वो आज करो। रॉकेट इतने तेजी से आगे क्यों जाता है, क्योंकि रॉकेट के पिछवाड़े में आग लगी हुई रहती है। आपके पिछवाड़े में जब तक आग लगी नहीं है ना, तब तक आपके भागेंगे नहीं। तो आग लगाना मतलब क्या है, आग लगाना मतलब बड़े गोल्स रखना, आग लगाना मतलब बड़ी लायबिलिटीज क्रिएट करना, आग लगाना मतलब बड़े बड़े विजन रखना और उसके लिए कमिटेड रहना और कमिटेड रह के काम करना। वो करेंगे तो डेफिनेटली ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, ताकि लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, अपने देश के लिए काम करेंगे। हमारा मकसद है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत, इसमें हमारे आप पार्टनर बन जाएगा। आपको कोई सवाल होंगे तो आप जरूर ऑनलाइन हमें कंसल्टेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग हम आपको दे सकते हैं, काफ़ी सारे वीडियो कॉल्स हम करो जाते रहते हैं, आप जरूर हमारे संपर्क कीजिए। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में वृषारोग के साथ में पेशेंट को रखते हैं, जो मेंटली पेशेंट है, मानसिक रोगी है, उनको वृषारोग के समेत भर्ती किया जाता है। दूसरा जो हॉस्पिटल है वहाँ आक्रामक पेशेंट, हिंसक पेशेंट, मारने वाले, तोड़फोड़ करने वाले पेशेंट जो एकदम वायलेंट है या शराबी है, नशीले पदार्थ वाले है, नशीले पदार्थों की लत वाले, उनको बिना रिश्तेदार एडमिट किया जाता है, उनको अच्छा करके भेज देते हैं। तो जरूर आप सभी लोगों को संपर्क करो, ये जानकारी दो कि भाई आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, और वो कब होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करेंगे तब। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।